बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज है। शाहरुख और दीपिका की इस फिल्म को लेकर खासा बज है। फिल्म को मेकर्स 25 जनवरी 2023 के दिन थिएटर्स पर दस्तक देने वाली है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है, इसलिए मेकर्स ने इस फिल्म की एडवांस बुकिंग 20 जनवरी 2023 से शुरू करने का मेगा ऐलान किया था। हालांकि अब सामने आई रिपोर्ट्स बेहद चौंकाने वाली हैं। खबर मिली है कि मेकर्स ने फिल्म की एडवांस बुकिंग गुपचुप शुरू कर दी है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग 18 जनवरी के दिन गुपचुप शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, एडवांस बुकिंग शुरू होने के महज चंद ही घंटों में फिल्म के 18 लाख टिकट्स बिक गए। इंडियन बॉक्स ऑफिस की ओर से सामने आई जानकारी के मुताबिक फिल्म पठान की एडवांस बुकिंग देश के कुछ शहरों में चुपचाप शुरू कर दी गई, साथ ही फिल्म के टिकट्स तेजी से बिकने भी लगे हैं। इतना ही नहीं, एक और ट्वीट में बताया गया है कि फिल्म के टिकट्स भारी कीमत में भी तेजी से बिक रहे हैं। फिल्म की ओपनिंग 25 जनवरी को किसी भी बड़े नंबर को छू सकती है। बताया गया कि महज कुछ ही घंटों में फिल्म पठान की 18 लाख टिकट्स बिक गई। ये एक बेहद शानदार संकेत है, जिससे साफ होता है कि आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ सकता है। यशराज फिल्म्स की इस बिग बजट फिल्म को मेकर्स 25 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज करेंगे। इससे ठीक 5 दिन पहले यानी 20 जनवरी के दिन फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होने वाली है। एडवांस बुकिंग को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करने वाली है। हालांकि इस फिल्म को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। जब से फिल्म का गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ है, तभी से इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। गाने में दीपिका ने जो भगवा बिकनी पहनी है, उसकी आलोचना हो रही है। साधु संतों से लेकर बीजेपी नेताओं ने फिल्म को बैन करने की मांग की है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले गुजरात में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पठान के विरोध में शाहरुख के पोस्टर्स फाड़ दिए थे। इतना ही नहीं, मॉल में तोड़फोड़ की गई थी और थिएटर्स मालिकों और मेकर्स को फिल्म को रिलीज न करने की धमकी दी गई थी। फिल्म के विरोध को देखकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि विरोध के डर से लोग फिल्म देखने नहीं आएंगे और फिल्म की कमाई पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन एडवांस बुकिंग से लग रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने वाली है। 250 करोड़ के बजट में बनी फिल्म से शाहरुख 4 साल बाद वापसी करने जा रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात अब ये होगी कि पठान का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल होता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।